भारतीय हॉकी टीम को यूरोप दौरे में अपने आखिरी तैयारी मैच में हॉलैंड से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम हॉलैंड के हाथों इससे पहले 4-2 से हार गई थी। भारतीय टीम 31 मई से 15 जून तक हेग में होने वाले विश्व कप की तैयारी के लिए यूरोप के दौरे पर है। भारत ने मैच में हालांकि अच्छी शुरुआत की और दूसरे मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली। रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को आगे किया। भारत ने आधे समय तक हॉलैंड को गोल करने से रोके रखा। हॉलैंड ने 46वें मिनट में बराबरी का गोल हासिल किया। माइक रोपूसर ने पेनल्टी कॉर्नर पर ये गोल दागा। हॉलैंड ने अपना दूसरा और मैच का विजयी गोल 67वें मिनट में किया। क्रिस्टियन एलेग्रा ने ये विजयी